स्वागत है फ्रेंड टारगेट एवी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा स्किल है वो है पुनर्बलन कौशल। और इससे पहले जो भी सिमुलेशन टीचिंग से रिलेटेड स्किल की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि वीडियो स्पष्ट ना दिखाई दे तो वीडियो का पिक्सल बढ़ा लें, इससे वीडियो साफ दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्किल पुनर्बलन कौशल। तो वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं अपना सूचकांक यानी कि इंडेक्स। तो ये सब हो गया था, लास्ट की जो वीडियो थी वो था दृष्टांत कौशल पे आधारित। चलते हैं नेक्स्ट पेज, तो इसे जूम कर लेते हैं। तो ये आज हमारा छठा है जो है पुनर्बलन कौशल। विषय रहेगा जीव विज्ञान, प्रकरण है कोशिकीय श्वसन ब्रैकेट में मनुष्य, और फिर पुनर्बलन कौशल तो यहाँ पे रहेगा जो कि पुनः टीचिंग होता है, पुनर्बलन कौशल तो वो विषय है विज्ञान, और इसमें जो प्रकरण है वो वायु के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान का पहला टॉपिक। तो ये रहा अनुरूपित पाठ योजना 6, कौशल है पुनर्बलन कौशल, बाकी सब वही रहेगा। इसमें घटक दिए हैं 5, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो मेन है। तो इसमें क्योंकि ये पुनर्बलन कौशल है तो आप प्रश्न पूछेंगे और उन छात्र जब आंसर देंगे तो आप प्रोत्साहन में पुनर्बलन के रूप में उन्हें एक वर्ड देंगे जो कि जैसे होते हैं अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम, अति उत्तम, शाबाश जैसे वर्डों का यूज करेंगे। तो ये कौशल बहुत ही आसान है, ये आप जो इससे पहले और भी टीचिंग थी उसमें भी इसका प्रयोग जरूर करेंगे, पर ये अलग से पुनर्बलन कौशल पे ही आधारित है तो इसमें तो यूज करना ही है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि श्वसन से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में मनुष्य कौन सी गैस लेते हैं? तो छात्र आसान से बताएंगे ऑक्सीजन, तो आप उनसे कहेंगे बहुत अच्छे बेटे बैठ जाइए, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में मनुष्य कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो बच्चे बता देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहेंगे बहुत अच्छे बेटा बैठ जाइए, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन, ऑक्सीजन और कार्बन डाई का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हो सकता है बच्चे ना बता पाएँ और कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं वो बता देंगे। तो यहाँ पे अगर कोई नहीं भी बता पा रहा है तो उनको कोई डीमोटिवेट वाला वर्ड यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, आप उनसे कह देंगे बहुत अच्छा बेटा आपने कोशिश की बैठ जाइए, ये भी आप बोल सकते हैं प्रोत्साहन में यदि उसने आंसर गलत भी दिया है बच्चे ने तो भी, ठीक है। यहाँ पे आंसर बता देंगे तो ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, बहुत अच्छा यहाँ पे वर्ड यूज होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन, ये एक रिएक्शन है जिसे आप ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस यहाँ पे एक वो बन गया क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है, कि और क्या इस रिएक्शन में निकलता है, तो ऊर्जा निकलती है। तो इसका आंसर जो बता देगा उसका उत्तम, और नहीं बताए तो भी आप उसे कह देंगे बहुत अच्छी कोशिश की वजह बैठ जाइए, इसका यहाँ पे आंसर आएगा ऊर्जा, ऊर्जा बता देंगे कि यहाँ खाली जगह में ऊर्जा भरा जाएगा। तो यहाँ पे ये शिक्षण का पार्ट, पहला पार्ट खत्म होता है। ये निर्धारण मापनी है जो कि मैम द्वारा भरी जाएगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ख़त्म। अब इसका रीटीच वाला पार्ट देख लेते हैं उसमें क्या है। तो रीटीच वाले पार्ट में वायु के गुण, तो रीटीच भी वैसा ही है ये बिल्कुल, इसमें जो भी आंसर बच्चे बताएंगे आपको उनको प्रोत्साहन में एक वर्ड का यूज करना है, अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन आपने फाइल में जैसे लिखा है वैसे यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लिखा है, अब आपने बहुत अच्छा बोल दिया, फिर बाद वाले में अच्छा बोले तो मैम, क्योंकि आपकी मैम ये चेक करेंगी, लेकिन आपने अगर बाई चांस फाइनल में इसको यूज किया और एग्ज़ामिनर को ये मिला
तो एग्ज़ामिनर हो सकता है अच्छा मिल जाए, तो एग्ज़ामिनर अच्छा होगा तो वो इतना ध्यान नहीं देगा, वो आपकी टीचिंग पे ध्यान देगा कि आप पढ़ा कैसे रहे हो, और बच्चों को प्रोत्साहन में मतलब रीइन्फोर्समेंट के लिए जो वर्ड यूज कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पुनर्बलन कौशल में जो वर्ड भी यूज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ये रीइन्फोर्समेंट वाला टॉपिक नहीं भी है और आप दूसरा चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई और स्केल है, श्यामपट कौशल हो गया या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल हो गया, प्रस्तावना कौशल हो गया, तो आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं और बच्चा बता रहा है तो आप इन वर्डों का यूज ज़रूर करेंगे कि आप बहुत अच्छा बेटा, आपने अच्छा बताया, बैठ जाइए, ऐसे करके ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बातें मैंने बताई उन्हें ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निर्धारण मापनी है, ये निर्धारण मापनी में फिर टिकिंग मार मैम द्वारा है ये, इतना तो इतना में ख़त्म हो गया। ठीक है, नीचे ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।